देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं प्रोग्राम मुनीर मेमन के साथ। कल वो हुआ यकीनी तौर पे जिसके हवाले से काफी दिनों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की आला क्यादत कहती रही कि पंजाब असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी। कल एक अहम मुलाकात हुई पाकिस्तान मुस्लिम लीग इनफैक्ट पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सरबरा जनाब इमरान खान साहब के और चौधरी परवेज इलाही के दरमियान। उसके बाद बाकायदा तौर पर जो पंजाब असेंबलियां तहलील करने के लिए एक खत लिख दिया गया। ये खत की जो कॉपी है इस वक्त आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और इस खत की रिसीविंग भी कल रात ही शेयर कर दी गई कि गवर्नर हाउस में ये खत रिसीव हो गया। इस तमाम सूरत हाल के बाद जो सिनेरियो है कि अब 48 घंटे हैं पंजाब असेंबली के पास और पंजाब असेंबली अगले 48 घंटों में तहलील कर दी जाएगी। इस खत का जवाब चाहे गवर्नर साहब दें या ना दें, अगले 48 घंटों में पंजाब असेंबली तहलील हो जाएगी और इलेक्शंस की तरफ पंजाब असेंबली के मामलात बढ़ जाएंगे। इस सवाल से फवाद चौधरी साहब ने कल प्रेस कॉन्फ्रेंस की और कल उन्होंने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा आपको सुनाते हैं। इंशाल्लाह परसों इसी फॉर्मेट के ऊपर खैबर पख्तूनख्वा की असेंबली जो है उसको भी तहलील कर दिया जाएगा और जो हमारा वादा था पाकिस्तान के अवाम से कि हम अवाम में वापस जाएंगे, आज हमने वो वादा पूरा किया है, इमरान खान ने वो वादा पूरा किया है और हमने फिर ये साबित किया है। ये दोनों हुकूमतें हमारी अपनी हुकूमतें थी, अपनी हुकूमतें ख़त्म करके हमने उस एतमाद का इजहार किया है कि हमें लोगों के पास जाने में कोई रुकावट नहीं है और पाकिस्तान के लोग आज भी अगर किसी पर एतमाद करते हैं तो वो इमरान खान के ऊपर एतमाद करते हैं और इंशाल्लाह ताला 48 घंटों में हम हमजा शहबाज को जो है वो खत लिख रहे हैं। इंटरिम गवर्नमेंट की जो आइन का तकाजा है उसके मुताबिक जो इंटरिम गवर्नमेंट है उसके ऊपर लीडर ऑफ अपोजिशन के साथ बाहम मशवरे से इंटरिम गवर्नमेंट जो है उसकी तश्कील जो है वो कर दी जाएगी और इंशाल्लाह 90 दिनों के अंदर पंजाब में और खैबर पख्तूनख्वा में आम इंतखाबात होने जा रहे हैं। ये मैं आपको बता दूं कि ये तकरीबन पाकिस्तान के जो 60% नशिस्तें हैं उनके ऊपर ये इंतखाबात बनते हैं। हमें अब भी हम समझते हैं वफाकी हुकूमत को अपनी ज़िद से बाहर आना चाहिए, पाकिस्तान के अंदर इलेक्टोरल फ्रेमवर्क तय करें और पाकिस्तान को एक कौमी इंतखाबात की तरफ बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान के अंदर जब तक हम इस्तेहकाम नहीं लाते पाकिस्तान में मईशत कभी भी सही नहीं हो सकती और इस्तेहकाम सिर्फ इलेक्शनों से आ सकता है और आप 60% पाकिस्तान जब इलेक्शनों में जा रहा है तो समझ से बाहर होगा कि 40% जो बाकी पाकिस्तान की नशिस्तें हैं उनके ऊपर इलेक्शन क्यों ना हो। लिहाजा हम इसके बाद फिर हम दोबारा स्पीकर के को भी ये कह रहे हैं कि हमारे इस्तीफे मंजूर किए जाएँ ताकि कौमी और सूबाई इंतखाबात जो हैं वो एक ही वक्त में हो सके। शुक्रिया जी। तो आपने सुना फवाद चौधरी साहब की कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस, उन्होंने जिस तरीके से कहा कि पंजाब और केपी की असेंबलियां तहलील कर दी जाएंगी और कल रात ही इस हवाले से कार्रवाई भी शुरू हो गई कि पंजाब असेंबली की तहलील के हवाले से जो खत था वो लिख दिया गया और ये खत भी आपको हमने दिखाया। इस हवाले से गुफ्तगू करेंगे क्योंकि आज गवर्नर पंजाब की जानिब से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई और उन्होंने मीडिया से जो गुफ्तगू की, यकीन तौर पर फिलहाल जो नजर आ रहा है कि आईनी मामलात के तौर पर या आईनी सूरत हाल के तौर पर इस वक्त गवर्नर साहब के पास ज्यादा कुछ करने को नहीं है। इसी वाले साथ हमारे साथ प्रोग्राम में शामिल है जनाब फारूक अवान साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा है और साथ हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें जनाब एमएम आलम साहब, सीनियर साहब की तजियाकार हैं। फारूक साहब, मैं गुफ्तगू का आगाज आपसे करना चाहूंगा कि काफी दिनों से इस बात का इंतजार किया जा रहा था कि पंजाब असेंबली तहलील की जा सके, बिल आखिर ये काम अब हो चुका है। जी फारूक साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सब कुछ मीडिया के सामने, जैसे कि इमरान खान ने शुरू दिन से ही जब ऐलान किया असेंबली तहलील करने का तो इनको अंदाजा नहीं था, ये सब समझ रहे थे कि ऐसा खान साहब बिल्कुल नहीं करेंगे और जब खान साहब इसको करने पर आए तो इन्होंने एक शोशा छोड़ दिया और सारे जिस तरह मीडिया ट्रायल शुरू हो गया कि शायद इमरान खान के पास उसके मेंबर्स पूरे नहीं है, परवेज लाई इनका साथ नहीं देगा, लेकिन ये सारी गलतफहमियां दूर होगी, इनकी जो खुशफहमियां थी वो सारी पानी में बह गई। हमारा जो मकसद था, हमारा मकसद असेंबली तहलील करने का जो मकसद था उसके पाकिस्तान है, पाकिस्तान इसलिए है कि हमारा कायद कहता है कि हम साफ शफाफ इलेक्शन की तरफ जाएं और जो हुकूमत आए वो पाकिस्तान की नुमाइंदगी करे। तो मैं समझता हूं कि ये तहलील करने के जो हमारा था मकसद वो हमारा, लेकिन आपने जिस अंदाज से कहा कि तहलील करने का मकसद ये भी था पाकिस्तान को आगे लेके चलना है,
पंजाब और केपी के असेंबलियां तहलील करने के मामलात में राह में बहुत सी रुकावटें आई थी। चौधरी परवेज इलाही साहब और काफ लीग के हवाले से जो आपके कोएलिशन पार्टनर रहे इस तमाम तर मामलात में, उनके हवाले से शकुक व शुबात का इजहार भी किया जा रहा था। अब लगता है कि तहरीक इंसाफ के बेशतर हलकों में ये इबाम अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। देखिए, काफ लीग का एक अपना वजूद है, वो हमारी इत्तेहादी जमात जरूर है, हमारी उनके साथ बड़ी अच्छी, अब तो सारे दुनिया ने देख लिया, उनके साथ बड़ी अच्छी वर्किंग रिलेशनशिप है, लेकिन वो उनका एक अपना स्टैंड था, उनके बयान ऐसे आते रहे हैं, वो अपनी जमात के हवाले से वो बयान देते रहे हैं, लेकिन बहरहाल उन्होंने हमारा साथ दिया, हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं और हम आइंदा भी इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। तो आपको जैसे हमने पहले बताया, इस तहरीक का जो मकसद था असेंबलियों का, देखिए रजीम चेंज के बाद इंपोर्टेड हुकूमत के नीचे हम बिल्कुल भी हुकूमत करना नहीं चाहते थे, जो लोग ये कर रहे थे हम इस निजाम का हिस्सा बिल्कुल नहीं बनना चाहते। सही। तो मैं समझता हूँ खान साहब ने कौम के वसी तर मुफाद में ये फैसला किया है और इत्तेहादियों ने खान साहब का बिल्कुल साथ दिया है, और जिस तरह हमने एतमाद का वोट लिया तो इस बात की निशानदेही है कि कौम भी खान साहब के साथ है और हमारे मेंबरान भी इमरान खान पर पूरा। आपका पॉइंट आ गया, मुझे एमएम आलम साहब आपसे जरा जानना है कि ये जो पंजाब असेंबली की सूरत हाल हुई, पहले तो ये यकीन नहीं था कि शायद 186 का जो गोल्डन फिगर है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और काफ लीग मिलकर अचीव कर लेंगे, बिल आखिर अचीव हुआ, लेकिन काफ लीग का अब खुल के तहरीक इंसाफ की तरफ सपोर्ट करना और सारे ही मामलात में हम देख रहे हैं कि पूरी तौर पे हम आंगी नजर आती है, ये किस तरह से मुमकिन हुआ? क्योंकि काफ लीग को तो कहा जा रहा था कि वो एस्टैब्लिशमेंट के मामलात को देखती है, एस्टैब्लिशमेंट की तरफ देखती है, तो क्या ये कहा जा सकता है कि एस्टैब्लिशमेंट ने भी अपने मामलात में तब्दीली की है, अपनी सोच में तब्दीली की है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मनीर साहब, एस्टैब्लिशमेंट ने अपने मामलात में तब्दीली नहीं की, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि काफ लीग के सामने दो ऑप्शन थे, एक तो ये कि अपने एस्टैब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात को कंटिन्यू करती, और अगर वो कंटिन्यू करती तो एस्टैब्लिशमेंट का वाज़ह पैगाम था चौधरी साहब के लिए कि आप असेंबली ना तोड़ें। लेकिन दूसरा ऑप्शन जो चौधरी साहब के सामने था वो था तहरीक इंसाफ के साथ कोलिशन पार्टनर बनने का। मैं समझता हूँ कि चौधरी साहब ने एस्टैब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को दाव पर लगाकर दूसरे ऑप्शन को चुना है, और दूसरा ऑप्शन में उनको जो नज़र आ रहा है कि आगे चल के इमरान खान उन्हें मैक्सिमम सीटों पर, जैसे कहा जा रहा है 15 कौमी असम्बली की 30 सूबाई असम्बली की सीटें हैं, उस पर काफ लीग को सपोर्ट की जाएगी। तो इतना बड़ा फिगर जो चौधरी साहब को नज़र आ रहा है, तो चौधरी साहब के जहन में इस वक्त ये बात है कि तहरीक इंसाफ के पास एक बड़ा वोट बैंक है, और अगर वो वोट बैंक चौधरी साहब को मिल जाता है काफ लीग को, तो काफ लीग आंदा इलेक्शन में ज़्यादा सीटें लेने में कामयाब हो जाएगी। तो चौधरी साहब ने अपना जो एस्टैब्लिशमेंट के साथ देरीना ताल्लुक़ है उसको दाव पे लगा के इमरान खान साहब के साथ अपने आप को खड़ा कर लिया है, और वो नेक नियति से भी खड़े हैं इमरान खान के साथ, तहरीक इंसाफ के साथ। तो लेकिन ये जो सोच बनाई है चौधरी साहब ने अपनी, लाजमी है इसकी कोई स्ट्रेटजी बनी होगी। और देखें ना, अब हम अगर देखें 2018 के इलेक्शन, तो पीटीआई जहां भी इलेक्शन हारी है बहुत कम मार्जिन से हारी है। right. तो चौधरी साहब ने वो सीटें सेलेक्ट की हैं जहां मुस्लिम लीग ने कामयाबी, नून ने कामयाबी हासिल की। right. लेकिन वहां पीटीआई का बड़ा वोट बैंक था। मतलब भाई, अगर मैं क्लियर समझाऊं मालम साहब, अपने वोटर्स को और पीटीआई के वोटर्स को मर्ज करके उन 30 सीटों में से मैक्सिमम सीटें जीतने में कामयाब हो जाएगी, इस सोच को लेकर चौधरी साहब बिल्कुल सही है। लेकिन मैं, अगर मैं गलत नहीं हूं, तो इसका मतलब ये जो इत्तेहाद है ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के लिए आगे चल के बहुत सारी मुश्किलात का बाइस बन सकता है, मैं गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल बन गया है, बन नहीं सकता, बन गया है। देखे ना, उन्होंने खानदान को भी तोड़ने में कोई मजाका नहीं समझा, अपने चौधरी शिवराज साहब से देरीना ताल्लुक तोड़ लिया, गेट नंबर 4 में अपनी एंट्री बंद करवा ली, सब कुछ कर लिया इमरान खान साहब के खातिर। अब वो इमरान खान साहब के साथ ही चलने को तैयार हैं, एन मुमकिन है कि मुस्तकबिल में जाके जिस तरह से कराची में पीएसपी एमकेएम में जम हुई है, हो सकता है कि ये काफ लीग को जम कर दें उसमें चौधरी साहब खुद। आप बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे रहे हैं एमएम आलम साहब, क्योंकि चौधरी परवेज इलाही के अलावा चौधरी शुजात उस पार्टी का एक बड़ा अहम रुकन है, बल्कि सबसे अहम रुकन है। मैं उसी चीज को देखते हुए बात की है मैंने कि आइंदा जब इलेक्शन होंगे तो पार्टी के प्रेसिडेंट चौधरी शुजात साहब हैं, जनरल सेक्रेटरी तारिक बशीर चीमा हैं,
तो वो जिसको टिकट देंगे काफ लीग का, काफ लीग के टिकट पे वही इलेक्शन लड़ेगा। अब जब साइकिल का निशान ना मिले चौधरी परवेज इलाही के 30 उम्मीदवारों को, तो वो तो अल्टीमेटली या तो जम होने वाली बात करनी पड़ेगी ना उनको। काफ लीग से तो इलेक्शन नहीं लड़ सकते परवेज इलाही, काफ लीग से परवेज इलाही को इलेक्शन लड़ने के लिए पार्टी सदर की टिकट की जरूरत है, बिल्कुल ठीक। जो हमारा इलेक्शन कमीशन का आईन है उसके तहत। तो आप ये कह रहे हैं कि तहरीके इंसाफ के दरवाजे खुले मोनिस इलाही साहब के लिए और परवेज इलाही साहब के लिए? नहीं, वो तो ये तो दरवाजे बंद कर लिए काफ लीग के इन्होंने। काफ लीग का सदर जो है चौधरी शुजात साहब हैं, चौधरी शुजात टिकट नहीं देंगे परवेज इलाही और मोनिस इलाही। तो मैं ये समझूं कि ऐन मुमकिन है कि आने वाले आइंदा इंतखाबात में परवेज इलाही साहब या मोनिस इलाही साहब को अगर वहां से टिकट ना मिला तो तहरीके इंसाफ का टिकट जरूर मिल जाएगा? तहरीके इंसाफ का टिकट लेने के लिए जम होना पड़ेगा उनको उसमें। अगर आप तहरीके इंसाफ के बल्ले के ऊपर, अगर बल्ले के निशान पे परवेज इलाही इलेक्शन लड़ते हैं तो इट्स मीन कि आप उसमें पीटीआई का पार्ट है ना। बिल्कुल ठीक है। आइंदा जो पार्लियामानी, ये बहुत इंटरेस्टिंग है फारूक, जब पार्लियामेंट के अंदर जो भी मामलात होंगे परवेज इलाही पाबंद होंगे। आज तो परवेज इलाही ने इमरान खान साहब को जिच किया और कामयाब हुए। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है फारूक साहब, ये जो इस वक्त कोलिशन की बात हो रही है आपके और काफ लीग के दरमियान, अब इलेक्शंस क्योंकि ज्यादा दूर नहीं है, आज भी गवर्नर साहब की हम गुफ्तगू सुने तो वो कह रहे थे अब फैसला शायद ये करना है कि इलेक्शंस क्योंकि रमजान में 90 दिन की मुद्दत पूरी हो रही है तो क्या रमजान से पहले कराया जाए या कोई और मामला करके रमजान के बाद तक इसको ले जाया जाए ताकि एक ऐसे अमन अमान के माहौल में ये इलेक्शंस कंडक्ट किए जा सके। क्या ये खबरें भी हैं कि अब इस इत्तेहाद से यकीन तौर पर नून लीग के लिए तो मुश्किल बढ़ेंगी लेकिन तहरीक इंसाफ और काफ लीग का ये जो कोएलिशन है ये मजीद भी आगे बढ़ सकता है? देखिए बिल्कुल इंशाल्लाह हम आगे बढ़ेंगे, इकट्ठे होकर हम चलेंगे। तो मैं समझता हूँ नून लीग का मुस्तकबल आप पाकिस्तान में नहीं है। इलेक्शन जब होंगे तो सबको पता चल जाएगा कि नून लीग के पास क्या है। नून लीग को मुझे इंशाल्लाह पूरा यकीन है इनको उम्मीदवार नहीं मिलेंगे अपने हलकों में खड़ा करने के लिए। तो बाकी रहेगी इलेक्शन की बात, लेकिन अब यह कानूनी तौर पर और आईनी तौर पर ये 90 दिन के अंदर अंदर जो इलेक्शन करवाना है वो बनता है। तो मैं नहीं समझता कि कोई ऐसी चीज है। और देखिए ये जो इलेक्शन है ये सूबाई हुकूमतों की जिम्मेदारी नहीं है, ये फेडरल की है और फेडरल के पास कोई चॉइस नहीं है, उसके पास कोई ऐसा तरीका नहीं है कि वो इसको लेट कर सके। ये उनकी मजबूरी है, इनको इलेक्शन हर हाल में करवाना पड़ेगा। और हम तो कहते हैं कि हम जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, फेडरल हुकूमत को भी अब सोचना होगा, ये इंपोर्टेंट हुकूमत को सोचना होगा कि अगर ये समझती है कि इसके इसको अवाम में इसकी मकबूलियत है या अवाम में मतलब ये अपना वोट रखती है, तो मैं समझता हूँ ये आए मुकाबले में आए इलेक्शन लड़े। अब 70% इलाकों में तो वैसे इलेक्शन होने जा रहा है पंजाब में और केपीके में, तो मैं समझता हूँ इंशाल्लाह पाकिस्तान तरीके इंसाफ इसमें भरपूर कामयाबी हासिल। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है और यकीन तौर पर केपीके असेंबलियों का जब तस्करा हो रहा है तो जरा ब्रेक के बाद केपीके की असेंबलियों के हवाले से भी गुफ्तगू करेंगे क्योंकि बड़ा अहम मसला है कि केपीके असेंबलियां भी तहलील होनी है। ये कब होगा? अहम मुलाकातें हो रही हैं, इजलास जारी है, इसके हवाले से अंदरूनी कहानी क्या, इसके ऊपर बात करेंगे। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक का हाजिर होता है। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहते हैं। तस्करा और था कि पंजाब असेंबली की सूरत हाल तो यकीन तौर पर तब्दील हो रही है लेकिन केपी की असेंबलियां ये भी कोई ज्यादा मुख्तलिफ सूरत हाल नहीं। एमएम आलम साहब, ये जो पंजाब असेंबली में एक ट्रांजिशन हमें नजर आ रही है, फवाद चौधरी साहब ने कहा कि हम तो आज भी पूरी उम्मीद है कि वफाक हमारे साथ तावुन करेगा और हम एक जनरल इलेक्शन की तरफ बढ़ेंगे, ना कि दो सूबों में इंतखाबी अमल हो रहा हो, दीगर सूबे या वफाक में सूरत हाल वैसी की वैसी रहे। आपको लगता है तहरीक इंसाफ का यह मौकफ कि वफाक राजी हो जाएगा, आपको ऐसा कुछ होता हुआ नजर आ रहा है? अच्छा, मैं आपकी आवाज सही से समझ नहीं पाया हूँ लेकिन मैं जहां तक अंदाजा लगा पाया हूँ कि आप फवाद चौधरी साहब के आज के और कल के स्टेटमेंट में जी और वो ये कह रहे हैं कि वफाक में जनरल इंतखाबात हो। जी साहब ने कहा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है बलगीर रहमान साहब ने, गवर्नर पंजाब ने की है, तो ये तो एक डिले टैक्टिस है, ठीक है, कि वो रमजान को भी इशू बना रहे हैं और जो समरी नहीं भेजी अभी के हमने 90 डेज किस तरह पूरे करने हैं, रमजान का बहाना मिला के या तो वो लेट करेंगे इस इलेक्शन को या फिर वो इस ऑर्डर को लेट कर लेंगे।
कि भाई अगर मैं आज ऑर्डर करता हूँ तो 90 डेज में है, 90 डेज में रमजान है, रमजान में इलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये तो डिले टैक्टिक्स है, और इतनी आसानी से गवर्नर साहब, मैं नहीं समझता कि असेंबली तोड़ देंगे, दस्तखत कर देंगे। बट गवर्नर गवर्नर का ऑप्शंस क्या है मैं मालूम साहब, ऑप्शंस क्या है गवर्नर साहब के पास? हम कहने के वहां से कोई स्टे आ जाए, कोई नोटिस हो जाए, स्टे हो जाए, तो ये इबहाम है अभी। देखे ना, केपी असेंबली भी अभी तक वहां पे नोटिफिकेशन नहीं गया है गवर्नर साहब के पास, केपी असेंबली का। तो ये बैक वक्त दोनों असेंबलियों को तोड़ने के नोटिफिकेशन जाने थे, और बैक वक्त दोनों असेंबलियां टूटनी। अच्छा, अगर अगर दोनों असेंबलियां टूट भी जाती हैं तो फवाद चौधरी साहब जो वफाक से मुतालबा कर रहे हैं, देखें वफाक ने अगर असेंबली तोड़नी होती तो आप ये देखें, हमारे आर्मी चीफ समेत वजीर आजम, आर्मी चीफ, वज़रा खारजा, तमाम जो वज़रा हैं सब एक काम पर लगे हुए हैं कि पाकिस्तान में किसी तरह से हम कुछ फंड ले आएँ, कुछ इमदाद ले आएँ, या जिस तरह से जेनेवा में अच्छा रिस्पांस आया, या आर्मी चीफ को मिडिल ईस्ट के दौरे पे भेजा, सऊदी अरब से अच्छा रिस्पांस मिला इनको। और तो मैं जो अभी सिनेरियो देख रहे हैं कि गुज़श्ता 4-5 दिन से या एक हफ्ता पूरा लगा लें कि आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म समेत तमाम वज़रा इस काम पे लगे हुए हैं कि किसी तरह से दुनिया से फंड मिल जाए हमें, और ये जो पाकिस्तान के लिए कहा जा रहा है कि पाकिस्तान डिफॉल्ट होने जा रहा है उससे बचे, और इसमें कागज भी हुए हैं। लेकिन एमएम आलम साहब, एक जरा सवाल का जवाब दे दें आप, ये जो तहरीक इंसाफ की ख्वाहिश है कि जनरल इंतखाबात हों कौमी असेंबली के और तमाम सूबाई असेंबलियों के, आपको लगता है ये फिलहाल होता हुआ नजर आ रहा है, जनरल इलेक्शंस की तरफ बात जाती हुई नजर आ रही? देखिए, ये मुतालबा इनका कबल अज़ वक्त है, तो कबल अज़ वक्त मुतालबा हुकूमत की मर्जी है माने, हुकूमत की मर्जी है ना माने, लेकिन आईनी मुतालबा होता है तो उसको लाजमी मानना पड़ता है। अब आईनी मुतालबा क्या है कि अगर यही बात फवाद चौधरी साहब अगस्त में करें, अगस्त से सितंबर में, तो वो उनका आईनी मुतालबा है, लेकिन वो पिछले 6-8 महीने से एक ही मुतालबा दोहराते हुए आ रहे हैं, और आज भी उनका वही मुतालबा है कि जनरल इलेक्शन करा दिए जाएं। तो मुनीर साहब, जनरल इलेक्शन तो हुकूमत अपनी मर्जी से कराएगी, क्योंकि ये कबल अज़ वक्त मुतालबा है, माने ना माने हुकूमत की मर्जी है, इसमें अदालतें भी इंटरफेयर नहीं कर सकती, ठीक है, इस्टेब्लिशमेंट अपने आप को न्यूट्रल कर चुकी है। तो चौधरी साहब का ये मुतालबा पहला नहीं है, तो हमेशा करते हुए आ रहे हैं, और ये मेरे ख्याल में यही मुतालबा करते हुए ये अगस्त तक चले जाएंगे। जी जी जी, तो अगस्त तक ये मुतालबा करते हुए चले जाएंगे, और इस दौरान अगर दोनों पंजाब और केपी असेंबली डिसॉल्व हो जाती हैं और इनके इलेक्शन अनाउंस हो जाते हैं और हुकूमत सर्वाइव कर जाती है दो असेंबलियों के साथ वफाक को, और इनके इलेक्शन हो जाएं, तो ये मैं समझता हूं कि ये हुकूमत के लिए भी परेशान कुन होगा, क्योंकि आज जो इमरान खान की पोजीशन है वो बहुत डिफरेंट है। अगर आज इलेक्शन पंजाब में होता है, केपी में होता है, तो नून लीग की पोजीशन तो हमने कल देख ली ना, कल परसों जो देखी हमने कि पार्लिमानी इनकी पार्टी जो है तजब्जुब का शिकार है, और राणा सनाउल्ला फेल हो गए, अता तारण फेल हो गए, और वहां पे चौधरी साहब, तो एमएम आलम साहब ये समझा जाए कि अगर नून लीग को इंतखाबात लड़ना है और जीतना है तो मियां साहब की जो वापसी है वो यकीनी बनानी होगी, इसके बगैर कोई चारा नहीं है, क्योंकि मैं समझ रहा हूँ कि अभी वोटर जो है मुस्लिम लीग नून से बहुत नाराज है, इन्होंने तबाही मचा दी है मुल्क के अंदर महंगाई की, ये इमरान खान को हटाकर खुद आए थे इसलिए कि हम बहुत बड़े चैंपियन हैं, हम आवाम का दर्द सकते हैं, इन्होंने आवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया, अब उस बेड़ा गर्क के साथ ये आवाम में आए तो इनको आवाम वेलकम तो नहीं करेगी। अच्छा, अब अगर नवाज शरीफ भी आते हैं तो नवाज शरीफ को आके अल्टीमेटली इनके खिलाफ बोलना पड़ेगा कि इन लोगों ने मेरी बातें नहीं मानी, मैं इनसे कहता था इलेक्शन कराओ, ये इलेक्शन नहीं कराते थे, मैं इनसे बोलता था पेट्रोल मत बढ़ाओ, ये पेट्रोल बढ़ाते थे, मैं इनसे कहता था महंगाई मत करो, ये महंगाई करते थे, नवाज शरीफ को भी ये गेम खेलना पड़ेगा, इनके खिलाफ अपनी ही पार्टी के रहनुमाओं के खिलाफ जो है चार्जशीट लेकर आवाम में आना पड़ेगा। तो अब मैं ये समझूं, अगर पंजाब है और मैं अगर सही हूं तो पंजाब और केपी के असेंबलियों के इंतखाबात हो जाएंगे, उनके नताइज आ जाएंगे, वहां की काबीना फॉर्म हो जाएगी, इसके बाद आम इंतखाबात का मरहला होगा, यानी कि पंजाब में किसकी हुकूमत है, केपी के में किसकी हुकूमत है, यह बात मुकम्मल तौर पर वाजे होने के बाद ही जनरल इलेक्शन होगा। तो इससे तो ऐन मुमकिन है कि अगर तहरीक इंसाफ इन इंतखाबात में कामयाब हो जाती है तो जनरल इलेक्शन के नतीजे काफी हद तक प्रेडिक्टेबल हो जाएंगे, उनको बहुत आसान होगा फोरकास्ट करना। देखिए, दो तरह से फायदा होगा इमरान खान साहब को,
नंबर एक कि वो तो सूबाई इलेक्शन से फारिग हो जाएंगे, ठीक है, कौमी असम्बली की सीटों पे इलेक्शन होगा और दो सूबों में इलेक्शन होगा, ठीक है, तो उसमें इमरान खान साहब को बेनिफिट ये मिलेगा कि अगर वो पंजाब में अपनी हुकूमत बनाने में कामयाब हो जाते हैं, केपी में कामयाब हो जाते हैं बाय इलेक्शन, ये जो असम्बली तोड़ने के बाद की बात कर रहा हूँ मैं जी, अगर वो कामयाब होते हैं तो कौमी असम्बली के इलेक्शन में इमरान खान बहुत ही ज़्यादा टफ टाइम दे देंगे नून लीग को, क्योंकि हुकूमत जो है असरअंदाज होती है हमेशा इलेक्शन पे, और हुकूमत अगर इमरान खान के पास हुई, पीटीआई की हुकूमत हुई दोनों सूबों में, तो एक तो इनको अवामी हिमायत हासिल है, दूसरा इनको रियासती हिमायत भी हासिल हो जाएगी, तो ये तो फिर नून लीग के लिए तो ये कब्र खोदने वाली बात है, मतलब नून लीग के लिए तकरीबन खुद गिर जाएंगे, नून लीग के लिए तकरीबन दरवाजे बंद हो जाएंगे, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर बात करते हैं। लेकिन साथ में एक और बड़ा टर्न राउंड हुआ है कराची में, हैदराबाद में, सिंध की सियासत में, कि बलदियाती इंतखाबात जिस तर्ज पे होने थे उस तर्ज पे अब बलदियाती इंतखाबात नहीं हो रहे, इसके ऊपर बात करते हैं, ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन, प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहते हैं। तस्करा हो रहा था बल्दियाती इंतखाबात का, बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कि बल्दियाती इंतखाबात होंगे नहीं होंगे, किन हल्का बंदियों के तहत होंगे, यकीन तौर पर यह सवाल गुज़श्ता कई दिनों से हमारे जहनों में गूंज रहा है और इसका जवाब अभी तक मिला नहीं। कल जब यह सारी सूरत हाल डेवलप हो रही थी तो एमक्यूएम ने अपने इत्तेहाद का ऐलान किया और उस इत्तेहाद के ऐलान के साथ ही बाकायदा तौर पर सूबाई हुकूमत को तंबीह कर दी कि अगर तो इंतखाबात हुए तो सख्त नतायज भुगतना होंगे, शारा फैसल को ब्लॉक किया जाएगा, और इसमें जो कुछ गुफ्तगु की आपको वो सुनवाते हैं। ये अजीब बात है कि किसी का मैंडेट टूट रहा है और हम जो है वो हम किसी का मैंडेट तोड़ने के लिए बैठे हुए हैं, तो भाई सियासी पार्टी हम लोग चला रहे हैं, आइसक्रीम बेच रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उनके उनके मैंडेट को ऐसे ही रहने दें और वो आराम से इसी तरह से जो है वो जाली मैंडेट को एंजॉय करते रहें, तो इस पे उनको परेशान, अगर हमें तो पहले बहुत ज़्यादा अंदाज़ा नहीं था कि हम इन तमाम इकदाम जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा उसके नतज क्या होंगे, लेकिन जो पाकिस्तान में सब परेशानी है पार्टियों को और ख़ासतौर पर जिनका आप जिक्र कर रही हैं, तो उनकी परेशानियों को देखकर लग रहा है कि हमारे फैसले सही हैं, सही जगह पे चोट पड़ रही है और ये जो हनीमून पीरियड उनका चल रहा था वो खत्म होने वाला है सारा। मेरा दिया है कि अब वक्त आ गया है कि हमें वफाकी हुकूमत से भी अलग हो जाना चाहिए और सूबाई हुकूमत की तरफ तो देखना भी नहीं चाहिए। तो वो अब्बास अहमद साहब भी आपके साथ आ जाएंगे, ये दावा तो आम है और जिस जिसको आना है वो आएगा, दर्द लेके आएगा और दर्द का इलाज यहीं से मिल पाएगा। पूरे पाकिस्तान को ही हमारे वोट के तकसीम होने का, हमारे तकसीम होने का दर्द रहा है, लेकिन कोई हमारे यहाँ जो कुछ हुआ है और जिस तरह हुआ है उसकी बहुत सारी एक्सप्लेनेशन है, लेकिन अल्लाह का शुक्र है आज हम यहाँ बैठे हैं, तो हमारा ये वादा और लोगों को ये निगाह कि तुमको नजर नहीं आ रहा है। आपने सुना कि फारूक सत्तार साहब ने और खालिद मकबूल सिद्दीकी साहब ने, मुस्तफा कमाल साहब ने ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की, उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद यकीन तौर पे जो सियासी दर्जा आ रहा था उसमें बतदरीज इजाफा हुआ और फिर रात गए अहम मुलाकातें हुई। इन मुलाकातों के बाद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की आला क्यादत ने फैसला किया कि हल्का बंदियों के हवाले से जो नोटिफिकेशन है उसको वापस किया जाएगा, यानी कि ये जो पूरा इलेक्शन है 15 तारीख का वो पूरी तौर पर मनसूख हो जाएगा। क्या कहना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का, कल रात जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में शर्जील नाम मेहमद साहब ने क्या कहा आपको सुनाते हैं। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट दादू, मैंने बताया कि सैलाब की वजह से, उसके लिए हमने इलेक्शन कमीशन को लिखा है, बाकी जो सेक्शन 10(1) का जो है वो हमने कराची पूरी डिवीजन और हैदराबाद एक डिस्ट्रिक्ट जो है उसके लिखा है। लेकिन इसके बावजूद मैं बताऊं कि जो 15 तारीख को इलेक्शन होंगे उसमें टंडोवालाया डिस्ट्रिक्ट, बदीन डिस्ट्रिक्ट, सुजावल डिस्ट्रिक्ट, थट्टा डिस्ट्रिक्ट, टंडो मोहम्मद खान डिस्ट्रिक्ट, मटियारी डिस्ट्रिक्ट और जामचोरो डिस्ट्रिक्ट, उसमें सिंध हुकूमत जो है मुकम्मल तौर पर तैयार है और वहाँ के लोग जो है वो अपनी इलेक्शन की जो है मुकम्मल तौर पर तैयारी करें, उन अज़ला में किसी किस्म की इलेक्शन को जो है वो किसी किस्म की उसमें डिले नहीं होगी। आपने सुना कि ये जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एक बड़ा टर्न किया अपने मौकफ में और एक बड़ी तब्दीली नजर आई, इसके साथ साथ जब ये सारी डेवलपमेंट हुई और ये सारी डेवलपमेंट हो रही थी तो कल ये ड्रामाई डेवलपमेंट के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। साबिक गवर्नर सिंध जनाब, साबिक गवर्नर सिंध और जनाब अली जैदी साहब ने
ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और प्रेस कॉन्फ्रेंस इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से जो खदशात थे उसका इजहार भी किया, आपको वो भी सुनाते हैं। तो आज पाकिस्तान की जो सूरत हाल है, इक्तसादी सूरत हाल, उस सारी चीज़ को देखते हुए हर चीज़ का जो इलाज है वो एक मजबूत सियासी हुकूमत का क़याम है, जो आम इंतखाबात के बगैर नहीं हो सकता। मैं थोड़ा सा जो कराची में हो रहा है उसको टच करता हूँ, बाकी अली ज़ैदी डिटेल देंगे। ये MQM ने जो चिट्टे बिट्टे जमा किए हैं सारे, जिसमें PSP फारूक सत्तार ने 2000 वोट लिए थे महमूद मौलवी के सामने, अभी इंतखाबात के अंदर 2000 वोट, ये तो इनकी सियासी औकात है। मुस्तफ़ा कमाल साहब मेरे पास, जब मैं गवर्नर था, मेरे पास आकर मुझे कहते थे खालिद मकबूल सिद्दीकी रॉ का एजेंट है, मेरे पास शवाहिद हैं कि ये रॉ का एजेंट है और आपने अपने साथ रखा हुआ है, लिहाजा आप भी एजेंट हैं रॉ के, ये मुस्तफ़ा कमाल साहब मुझे कहते थे। और खुदा को हाजिर नाजिर जानकर कहते थे कि मैं जान दे दूँगा, लेकिन मैं ये पतंग का निशान जो दहशतगर्दी का निशान है इसके साथ कभी अलायंस नहीं करूँगा। उन्होंने मुझे कहा कि इन सारों के ताल्लुकात आज भी अल्ताफ़ हुसैन के साथ हैं और मैं अल्ताफ़ हुसैन के ख़िलाफ़ जंग लड़ रहा हूँ, और आज हमें बता रहे हैं कि मैं मजबूरन अपने स्टैंड से पीछे हट रहा हूँ। कौन मजबूर कर रहा है मुस्तफ़ा कमाल को? ये तो हैं ही, खुद ही मजबूर हैं। ये जो दो लोगों ने ज्वाइन किया है MQM को, एक मजबूर है एक लाचार है। वो बेचारा 2000 वोट से ऊपर जाता नहीं, जो आते तो खैर ये भी 2000 वोट से ऊपर नहीं, लेकिन अगर ये सारे फिगर्स आज आपको अली ज़ैदी देंगे कि अगर इन सारों का मिला भी लें तो इसका क्या अंजाम होना है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आज एक सियासी हकीकत बन चुकी है। तो ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, और यकीन तौर पर बल्दियाती इंतखाबात इस वक्त एक बड़ा सवाल बने हुए। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ ज्वाइन करें TLP के अमीर और मेंबर सूबाई असेंबली जनाब मुफ्ती मोहम्मद कासिम फखरी साहब, इनसे जरा गुफ्तगू करेंगे और जानेंगे कि ये जो बल्दियाती इंतखाबात को पे दर पे मुलतवी किया जा रहा है, हर बार आखिरी लम्हे में आके इस पूरे निज़ाम को लपेट दिया जाता है, इसकी वजूहात क्या है और इसके पीछे कौन से अवामिल शामिल हैं, इसके हवाले से जानेंगे। कासिम फखरी साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। कासिम साहब, आपकी जमात की बड़ी तैयारी नजर आई, खास तौर पे बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से। बल्दियाती इंतखाबात हर बार मुलतवी किए गए, क्या वजूहात बन रही है कि बल्दियाती इंतखाबात हो नहीं पा रहे? जी देखिए, ये चोर हुकूमत और अपने साथ कुछ और डाकुओं को मिला लिया, अब चोर और डाकू जब मिलेंगे तो काम मुल्क में और शहर में खराबी की तरफ ही चीजें जाती हैं। ये पीपल्स पार्टी और MQM ने गठजोड़ करके जिस तरीके से इलेक्शन को मुलतवी करने की नाकाम कोशिश की है, तो ये आप देख रहे हैं कि इनका कराची के साथ तावन नहीं है, बल्कि कराची को खराब करने के लिए ही सोच रहे हैं और कराची को मजीद बिगाड़ने के लिए सोच रहे हैं। आप देखें कराची की हालत क्या है, कराची इस वक्त वेंटिलेटर पे है और ये वेंटिलेटर से भी हटाना चाहते हैं। यानी बल्दियाती इलेक्शन नहीं होंगे तो मुझे बताएं गली कूचे मोहल्ले सफाई सुथराई ये सारी चीजें कैसे ठीक होंगी? नहीं होंगी। तो जो जितना वक्त लगेगा, जितना देर करेंगे, उतना ज्यादा कराची खराब होगा। तो कराची खराब करने का सबब बन रहे हैं ये, कराची को बिगाड़ने का सबब बन रहे हैं ये, कराची को तबाह करने का सबब बन रहे हैं ये। हम इलेक्शन कमीशन को आपके तवसुस से हम ये आगाह कर देना चाहते हैं कि इलेक्शन कमीशन आईनी तौर पर जल्द अज जल्द यानी 15 तारीख को जो इलेक्शन है इसको बिल्कुल बहाल रखे। हम मुकम्मल उनके साथ तावन में है। ये कुछ चोर और डकैत मिलकर धमकियां दे रहे हैं इलेक्शन कमीशन को और आपस में एक दूसरे को। हम कराची के अवाम के साथ है, हम इलेक्शन कमीशन के साथ है। वो 15 को इलेक्शन कराए, वो किसी की धमकाने में किसी के परेशान करने में बिल्कुल ना आए। अच्छा कासिम साहब, ये भी एक है कि इलेक्शन कमीशन ने तो आज भी वाजे तौर पे कह दिया कि वो सूबाई हुकूमत की दरख्वास्त को मुस्तरद करते हैं और इंतखाबात 15 तारीख को ही होंगे, लेकिन अभी अब से कुछ देर पहले सिंध के जो वजीर हैं जनाब शर्जील इनाम मेमन, उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को देखेंगे और हमारी तरफ से इंतखाबात नहीं हो सकते, चाहे उसके लिए कोई वाजे तौर पे कल के दिन में कोई मेजर ऑर्डर ही पास क्यों ना करना पड़े, लेकिन सूबाई हुकूमत इस वक्त कराची और हैदराबाद में इंतखाबात नहीं कराने जा रही। मैंने पहले आपको आगाही दे दी कि ये परेशान कुल जो मराहिल बन रहे हैं इसका सबब ही PP है और PP को मालूम है, PP हुकूमत को ये मालूम है कि
सिंध में बिलखसूस कराची में उनका वोट नहीं है, वो कराची की आवाम के हौसलों को पस्त करना चाहती है, वो इनके मोमेंटम को खत्म करना चाहती है ये हुकूमत। तो इनके तो ये हरबे हैं। देखें ये बाकी पहले मरहले के अंदरूनी सिंध के इंतखाबात हो गए, उसमें कोई रुकावट नहीं रही, कोई मसला नहीं हुआ। अब जो मसला बन रहा है सिर्फ कराची के लिए बन रहा है, हैदराबाद के लिए बना रहे हैं ये लोग, क्यों इस तरह कर रहे हैं? इसकी वजह यही है कि यहाँ पर इनका वोट नहीं है, ये यहाँ की आवाम को शुरू दिन से परेशान इन्होंने रखा, हर मामले में परेशान रखा, सफाई सुथराई के हवाले में परेशान रखा, तरक्याती मनसूबों के हवाले से परेशान रखा, अब इलेक्शन कराने के मामले में इतना परेशान कर रहे हैं कि ताकि फिर कराची की आवाम की जहन बन जाए और वो वोट कास्ट करने ही ना निकले। ये मामला और एक और चीज ये भी है कि अमन अमान के हवाले से भी सवाल उठाया जा रहा है कसम साहब, कि अगर इंतखाबात, उम्मीद तो है कि इंतखाबात हो जाए, अभी भी क्लैरिटी नहीं है, अगर इंतखाबात इतवार के रोज हो जाते हैं जिस तरीके से एमक्यूएम ने कहा कि वो शारह फैसल को जाम कर देंगे या कोई और वजूहत की वजह से हम देखते हैं कि अमन अमान की सूरत हाल में खराबी पैदा होती है, तो उसका जिम्मेदार आप किसको समझेंगे? देखिए अमन अमान को बहाल रखना रियासत का काम है, हुकूमत का काम है, और अगर वो ये समझते हैं कि हम अमन अमान को कायम नहीं रख सकते तो फिर हुकूमत में रहने का इनका जवाब ही नहीं बनता, फिर कैसी हुकूमत है, फिर कैसे इंतजामिया है जो शहरियों को तहफ्फुज़ तक ना दे सके, शहरियों के साथ मामला तक न कर सके, देखा नहीं जा सके, उनकी हिफाजत न कर सके, तो फिर इनको अपने ओहदों से इस्तीफा दे देना चाहिए बजाय के इलेक्शन को मुअख्खर करें ये लोग। और अगर इन सारी सूरत हाल के बावजूद इलेक्शंस ना हुए, क्योंकि इस वक्त लाखों करोड़ों रुपया इस वक्त इन इलेक्शंस के ऊपर इखराजात कीमत में हो चुका है, कैंडिडेट्स की तरफ से, इलेक्शन कमीशन की तरफ से यकीन तौर पर तैयारियां मुकम्मल हो चुकी होंगी, अब अगर ये इंतखाबात नहीं होते तो फिर आपको नहीं लगता कि शायद अब कोई इंतखाबात का कोई दूसरा हल निकालना होगा? अगर सिंध हुकूमत या सूबाई हुकूमत नहीं चाहे तो इंतखाबात ना हो तो फिर इसका कोई तो लायअमल होना चाहिए। जी बिल्कुल लायअमल होना चाहिए, और ये जो इंतखाबात नहीं कराएंगे तो यकीनन हम भी फिर अपना हक महफूज रखते हैं, आवामी हक है हमारे पास, हम अपना हक महफूज रखते हैं, हम फिर इसके लिए हम भी कोई लायअमल तय करेंगे। बिल्कुल एमएम आलम साहब, आपने गुफ्तगू भी सुनी, क्लैरिटी आज भी नहीं है, अभी भी अक्सर ये कहा जा रहा है कि 15 तारीख को इंतखाबात नहीं हो रहे, अगर हो रहे हैं या नहीं हो रहे इससे वोटर कितना डिस्टर्ब हो रहा है? देखें अभी शर्जील मेमन का बयान चल रहा है, इसमें उन्होंने कहा है कि कोई आर्डिनेंस नहीं ला रहे और इंतखाबात 15 तारीख को ही होंगे, पर अब से कुछ देर पहले उन्होंने ये बात कही थी, अब से कुछ ही देर पहले उन्होंने बात कही थी। हाँ, अब उनका वाज़े बयान आ चुका है कि इंतखाबात 15 तारीख को ही होंगे। अच्छा, अब आज एमकेएम की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें बैरिस्टर फरोग नसीम साहब ने जिन कानूनी निकात का हवाले दिए हैं वो बड़े वजनी हैं, बहुत उसकी अहमियत है, जिसमें उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने जिस सेक्शन को बेस बना के इलेक्शन का इनका किया है जी, ठीक, उस वो बेस थी लिमिटेशन की, सिंध हुकूमत ने जो डिलिमिटेशन की थी उसमें जो उस पर एतराज था एमकेएम को कि हमारे जो वोटर हैं उनको ज्यादा रखा गया है एक सीट पे और पीपल्स पार्टी ने अपने वोटर्स को कम रखा गया है, यानी कि अगर पीपल्स पार्टी 20,000-30,000 वोट के ऊपर एक यूसी ले रही है तो एमकेएम के जो अक्सरियती इलाके हैं उन्हें 1.25-1.5 लाख तक भी जाके एक यूसी दी है। सही। तो इसका जो बैरिस्टर साहब ने जो बात की है और उसमें कानूनी निकात के हवाले दिए हैं कि सिंध हुकूमत ने जो अपना कल जो ऑर्डर जारी किया था वो तो उन्होंने अपना नोटिफिकेशन विदड्रॉ किया था। सही। जिसके तहत ही सारा इलेक्शन प्रोसेस हुआ। अब जब उस नोटिफिकेशन को विदड्रॉ कर लिया गया है तो इलेक्शन कमीशन किसके ऊपर इलेक्शन कराएगा? अच्छा मुझे बताने, अब आपने ये बात कह दी है, मुझे बताएं अगर कल ये 2 दिन बाद इलेक्शन होने, अब इलेक्शन अगर हो जाते हैं तो इतनी सारी कंफ्यूजन के बाद वोटर कहां खड़ा है? कौन वोटर तो सवाल करेगा कि मैं किस कैंडिडेट को वोट डालने जा रहा हूं, मेरा वोटिंग बूथ कौन सा होगा, मेरे कॉन्स्टिट्यूएंसी कौन सी होगी? इतनी कंफ्यूजन के बाद आपको लगता है वोटर अब घर से बाहर निकलेगा? या कहीं ना कहीं जो सियासी जमातें कुछ चाहती थी कि वोटर टर्नआउट कम रहे ताकि मामला को मैनेज भी किया जा सकता है उस दौरान, तो ये भी मामला होते हुए नजर आ रहे हैं? देखिये कराची का बड़ा वोटर जो है ना वो तो है महाजिर वोटर, एमकेएम का वोटर, और एमकेएम का वोटर है, एमकेएम का वोटर है, पर ये भी बताए ना, ये भी तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि एमकेएम का वोटर है लेकिन फिर उसमें भी तो डाइसेक्शन है, उसमें भी तो बाइफर्केशन है, वो कौन सी एमकेएम को मानता है वो आप भी जानते हैं।
मैं आपको पूरी बात नहीं सुना, मैं आपको वही बता रहा हूँ कि कराची में देखें दो किस्म के वोटर है, एक एमक्यूएम का और एक एमक्यूएम से हटके। अब जो जमात इस्लामी जो कोशिश कर रही है भरपूर तरीके से कि इलेक्शन हो जाए, जमात इस्लामी को इस बात का अंदाजा है कि एमक्यूएम का वोटर जो है वो घरों से बाहर नहीं निकलेगा, क्योंकि अल्ताफ हुसैन के बायकाट के बाद एमक्यूएम का वोटर तो घरों में रहेगा। जमात इस्लामी के गिने चुने वोटर होते हैं, वो अपने वोटर जो है वो निकालने में हमेशा, हम बचपन से देखते हुए आ रहे हैं कि वो हमेशा जो है अपने वोटर निकालने में कामयाब होते हैं। सही। तो जमात इस्लामी को ये बेनिफिट जाएगा। दूसरा पीटीआई, पीटीआई को भी हम अंडरस्टिमेट नहीं कर सकते हैं कराची में अभी तक, क्योंकि कराची में पीटीआई को जो वोट पहले गया वो भी जो अब एमक्यूएम है, पहले पीएसपी थी, एमक्यूएम थी, फारूक सत्तार थे, अभी मुश्तरका एमक्यूएम जो बनी है जी, इन रहनुमाओं से ये वोटर नाला है सबसे, खासकर खालिद मकबूल सदीकी की जो सरबराही में 3.5 साल जो इमरान खान के साथ गुजारे इन्होंने, उसमें ये नफीस कहलाए। नफीस कहलाने का मतलब ये है कि आपने अपने वोटर की बात नहीं की, आपने अपना हुस्ने अखलाक दिखाया इमरान खान को, और अपने वोटरों को जो है तरक्याती कामों के हवाले से, नौकरियों के हवाले से इमरान खान को कायल करने में आप नाकाम रहे। तो अब इस सूरत में जो एमक्यूएम का वोटर है वो एमक्यूएम की इस मौजूदा एमक्यूएम से भी नाराज है, और उस वो उसकी दो सोचें हैं, एक तो अल्ताफ हुसैन की अपील पर बाइकाट कर दें, घरों में बैठ जाएं, या फिर वोट डालने अगर निकल रहे हैं तो इनको इनके गुस्से में यानी कि बुग्ज़े माविया में वो फिर पीटीआई को वोट डालें। ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया, ये आपने बिल्कुल सही पॉइंट आउट किया। मुझे एक चीज और बता दें एमएम आलम साहब, ये जो इत्तेहाद हुआ है यकीनी तौर पे पिछले 6-7 सालों में तकरार की बाइस बहुत से डिफरेंसेस आए, दिलों में कदूरते आई, और हर दोनों या तीनों जमातों का अपना अपना वोट बैंक है। आपको नहीं लगता ये जो वोटर है ये इन तमाम तर लीडरान के बयानात को एक बार फिर से सुनेगा, याद करेगा, और फिर जब वोट डालने की बात होगी तो वो कंफ्यूज होगा, या शायद ये जो इत्तेहाद है ये भी कहा जा सकता है कि काफी हद तक इसका नुकसान भी हो वक्ती तौर पे। देखिए इत्तेहाद से वोटर की ज़हनियत पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये इत्तेहाद हो गया, अच्छा खुशाइंद है कराची के लिए, लेकिन बहुत लेट हुआ। अगर यही इत्तेहाद 2 महीने पहले होता और 15 तारीख को इलेक्शन में ये कंटेस्ट करते तो फर्क आता, क्योंकि देखें वोटर को निकालने वाले जो है ना वो इलाकाई जिम्मेदारान होते हैं, इलाकाई यूनिट के, सेक्टरों के या टाउन के, ठीक है ना, ये गली मोहल्लों के जो कारकुनान होते हैं वो वोटर को निकालते हैं बाहर। तो वो वोटर को बाहर पहले कंफ्यूज थे कि पीएसपी के लिए निकालें या एमक्यूएम के लिए निकालें, अभी दोनों एक हो गए हैं। अब दोनों एक हो गए हैं, इससे मैं समझता हूँ कि अभी फौरी फर्क नहीं आएगा, लेकिन शायद आइंदा ये फर्क आ जाए, आइंदा फर्क आ जाए। अभी तो फौरी फर्क इसलिए नहीं आएगा कि ये लोग अभी 3-4 दिन पहले तो इलेक्शन में 15 को इलेक्शन है और 11 को 12 को ये एक हो रहे हैं, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा और बल्कि शायद नुकसान ही हो जाए। और लोग हैं जो वजाहत चाहते थे। और फाइनल कमेंट ये भी कर दें क्योंकि वक्त भी कम है प्रोग्राम का, ये भी मुझे बता दें कि इस वक्त एक सवाल ये भी किया जा रहा है कि ये इत्तेहाद अगर तो इलेक्शंस 15 तारीख हो जाते हैं और एमक्यूएम के हक में नतीज नहीं आए उस तरीके से जो एमक्यूएम सोचती रही है जो माजी में आते रहे, तो क्या ये इत्तेहाद उसी तौर पे बरकरार रहेगा, आगे की तरफ बढ़ेगा? मैं कल प्रेस कॉन्फ्रेंस में खुद मौजूद था, मैंने वहां पे डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, फारूक सत्तार, आमिर खान, वसीम अख्तर, मुस्तफ़ा कमाल, अनीस कायम खानी और इनके जो दीगर रहनुमा थे, अशफाक मंगी वगैरह, इनकी मैंने बॉडी लैंग्वेज जब देखी तो ये तो हम कह सकते हैं कि ये 15 तारीख के इलेक्शन के लिए एक नहीं हुआ, ये एक लॉन्ग टर्म वायदा है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है, क्योंकि 15 तारीख में बलदियाती इलेक्शन के बाद फिर आपके सामने इसी 2023 का जनरल इलेक्शन भी है। बिल्कुल सही। तो टारगेट इनका जनरल इलेक्शन होगा, अब इनको टाइम मिल गया है जनरल इलेक्शन के लिए, हो सकता है ये 15 तारीख को कोई खास रिजल्ट ना दे सकें, लेकिन जनरल इलेक्शन में ये जो है ना अपना इत्तेहाद कुछ दिखाएगा रंग इनका, लेकिन उसमें भी इनको लाजमी है बैकडोर पॉलिसी अपनानी होगी, अल्ताफ हुसैन से बैकडोर रबते करने होंगे कि कम अज़ कम वो बाइकाट का ऐलान ना करें, या कुछ यकीन दहानियाँ करानी होंगी अपने हवाले से। देखिए कराची को मैं आपको बताऊँ मुनीर साहब, मैं ये नहीं कह रहा कि एमक्यूएम को कराची दे दिया जाए, कराची 3.5 साल तहरीक इंसाफ के पास रहा, 14 MLऔर MPS की भरमार, क्या किया उन्होंने? कुछ भी नहीं किया। कराची का बेड़ा गर्क किया। सिंध हुकूमत के पास
13 साल 14 साल से सिंध हुकूमत पीपल्स पार्टी के पास है, उन्होंने कराची के लिए कुछ नहीं किया। गो के तरक्याती काम चल रहे हैं लेकिन वो एक पॉलिसी का हिस्सा है। जो तरक्याती काम गली मोहल्लों में नौकरियों के हवाले से होने थे सिंध गवर्नमेंट उसमें फेल हुई। जमात इस्लामी MNA MPS के इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं कर रही, उसने अपने आप को कराची में बल्दियात की इलेक्शन की पार्टी बना लिया है और ऐसा लगता है कि हाफिज नईम साहब की कोई देरीना ख्वाहिश है कि वो मेयर बन जाए। भाई आप कौमी असम्बली में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, सूबाई में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, आप मेयर बनने के चक्कर में लग गए हैं, पूरे कराची को आप जाहिर कर रहे हैं कि आप उस कराची में आपसे बड़ी पार्टी कोई नहीं है। आप एक MPA का इलेक्शन नहीं जीत सकते कराची से, उसके बाद आप दावा करें कि आप कराची का मेयर बन जाएंगे और कराची आप बल्दियात कराची आपको दे दी जाए, MPA MNA आपस में बांट लो। तो ये जमात इस्लामी का ये इस फैक्टर से भी नुकसान होगा, इस सोच से भी जमात इस्लामी को नुकसान होगा। लेकिन चूंकि अब वाजे नहीं, आपने जो बात कही मैं उससे इत्तफाक करता हूँ कि इलेक्शन होना अभी भी वाजे नहीं है। मेरा यही सवाल है अभी भी ये इलेक्शंस हो रहे हैं इतवार को या नहीं, बड़ा क्लियरली, क्योंकि बड़ा मुश्किल हो रहा है ये सवाल को जवाब देना। हर कोई ये सवाल कर रहा है कि इतवार को इलेक्शंस हैं या नहीं है, वोट डालने जाना है या नहीं, ये प्लीज क्लियर कर दें। नहीं, वोट तो मेरी तो अपील ही होगी आवाम से कि वो वोट डालें, ठीक है, और वोट डालें। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अब वोटर उस गर्मजोशी से बाहर नहीं आएगा कि जिस गर्मजोशी से पहले आता है, क्योंकि और उसका नुकसान किसको होगा? शशो पंज में मुब्तला कर दिया ना, उसका नुकसान किसको होगा? अब टाइम नहीं है आवाम को ज़हनी तौर पर तैयार करने का। वोटर के ना निकलने का नुकसान सबसे ज्यादा किसको होगा इमाम आलम साहब? भाई इस वक्त जो अगर 15 को इलेक्शन हो जाता है तो सबसे ज्यादा नुकसान MPM को होगा। और मैं एक सवाल ऐड कर लूं, आखिरी सवाल, कि जो पंजाब असेंबलियों में जो कुछ हुआ, आपने देखा कि खान साहब की मकबूलियत में एक बार फिर से उससे इजाफा हुआ, कि जो खान साहब ने कहा था एक बड़ा फैसला कि पंजाब KPK की असेंबलियां तहलील होनी है, वो कर दी गई, पंजाब की हो चुकी, नोटिफिकेशन जारी हो चुका, इसका असर कराची के बल्दियाती इंतखाबात पे एक आम वोटर पे पड़ेगा जो स्विंग वोटर कहलाता है? नहीं, ये नहीं पड़ेगा। मैं आपको बताऊं, कराची के अवाम नाराज है तहरीक इंसाफ से। कराची के अवाम नाराज इसलिए हैं कि इमरान खान साहब ने कराची को कुछ नहीं दिया सिवाय झूठ बोलने के। उन्होंने ये बोला कि 11 अरब रुपए का 1100 अरब का जो पैकेज दिया था वो भी सब झूठ निकला, फ्रॉड निकला, कोई काम नहीं किया PTI ने कराची में। पीटीआई ने वो हैसियत दी थी जो कभी MKM को दी थी, लेकिन PTI ने MKM को कराची के अवाम को मायूस किया और कराची के आवाम दोबारा मेरे ख्याल में चांस नहीं देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया एम एम आलम साहब हमारे साथ मौजूद थे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पे पहुंचा है। आज फिर अफसोस के साथ ही कहना पड़ता है कि आज का प्रोग्राम ही हमें उसी सवाल के साथ क्लोज करना पड़ेगा जो आज गुजरे 4-5 दिन से हो रहा है कि कराची में 2 दिन बाद इतवार के रोज 15 तारीख को क्या बल्दियात इंतखाबात हो रहे हैं या नहीं। कोशिश हमने बड़ी की कि इस सवाल का जवाब ले सके, लेकिन अभी भी क्लैरिटी मौजूद नहीं। अभी भी कहीं ना कहीं ये कोशिश की जा रही है, बल्कि भरपूर अंदाज में कोशिश की जा रही है, और ऐन मुमकिन है कि इलेक्शन से एक रात पहले इलेक्शंस को पूरी तरीके से वाइंड अप कर दिया जाए। और आगे क्या होगा इसके बारे में फिलहाल कुछ भी कहना कबल अज वक्त होगा। उम्मीद करते हैं आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। अपने मेजबान मुन्नू को इजाजत दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा, और इलेक्शन हो तो वोट डालने जरूर जाइएगा। अल्लाह हाफिज। आप देख रहे हैं द डेली शो विद मुनीर मेमन।